कल के दिनांक में बीजापुर जिले में 8 लाख की महिला नक्सली मनीला पुनेम ये मारी गई हैं, डीबीसी मेंबर थी। 1 लाख की नक्सली मंगलू कुडियम ये भी हथियार समेत मारे गए हैं। ये है बीजापुर विषय का। सुकमा में 5 लाख की महिला नक्सली जो वर्दीधारी थी, पुलिस ने उस पर गोली नहीं चलाई, पकड़े जाने की स्थिति पर उनको पकड़ा गया। ऐसे बार से मुए ऐसे एक महिला नक्सली को कल पकड़ा गया है। ये हुआ है सुकमा जिले में। इसके साथ साथ ही दंतेवाड़ा में 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। अब तक कुल 122 नक्सली नई सरकार बनने के बाद माननीय अमित शाह जी के संकल्प से माननीय विष्णु देव साय जी की सरकार में 122 नक्सली मारे गए हैं। आत्मसमर्पित नक्सली 415 हैं और गिरफ्तार नक्सली 423 हैं। बहुत जल्द आत्मसमर्पित नक्सलियों की संख्या बहुत बड़ी होगी, गिरफ्तार नक्सलियों की संख्या या मारे गए नक्सलियों की संख्या नहीं होगी। सर, तेजी से उस क्षेत्र में विकास का कार्य भी सरकार कर रही है, रोड बनाने का काम भी कर रही है, किस तरह से तेजी से उस क्षेत्र में विकास, टूरिज्म, एजुकेशन के हिसाब से सरकार कर रही है? विगत सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 257 सड़कों को बनाने का कार्य नहीं किया था। अभी वर्तमान नई सरकार के बनने के बाद 4 माह में ही 11 सड़कें पूर्ण कर ली गई हैं। 85 अन्य सड़कों का चिन्हांकन किया गया है, जिसमें 40 सड़कों पर कार्य चल रहा है। विशेष रूप से इसमें पंचायत विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए पंचायत विभाग और पुलिस विभाग, इन दोनों विभागों की संयुक्त टीम बनाकर के काम किया जा रहा है। इसमें एडीजी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद जी हैं, साथ ही साथ इसमें आईजी नक्सल ऑपरेशन वो भी हैं। इसमें पंचायत विभाग के सीएस मैडम हैं निहारिका बारिक जी, वो भी हैं, और ENC हैं जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के, वो के कटारे जी वो भी हैं। इन तीनों की संयुक्त, इन सभी इस मीटिंग की बैठक 2 बार रायपुर में और 1 बार तो दंतेवाड़ा में ही हो गई है। ये बैठ करके तुरंत निर्णय करते हैं कि किस रोड को बनाने के लिए किस विभाग के माध्यम से, पुलिस विभाग के माध्यम से क्या सपोर्ट कब मिल सकता है, और इस पर काम शुरू होता है। आपको बताऊंगा मैं कि 6 ऐसे रोड जो अबूझमाड़ में बनने वाले हैं, आज तक नहीं बना है, आज़ादी के बाद अबूझमाड़ में 6 रोड बनने वाले हैं। विकासात्मक कार्य सरकार की का संकल्प है, बहुत तेजी से किए जा रहे हैं। मैं सोचता हूं कि शीघ्र ही पूरा परिवर्तन दिखेगा। सर, कन्याकुमारी में अब चुनाव प्रचार क्योंकि खत्म हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय कन्याकुमारी दौरे पर रहेंगे और वो ध्यान भी करने वाले हैं, ये अब विपक्ष मुद्दा बना रही है और आचार संहिता का उल्लंघन बताकर चुनाव आयोग जाएगी, इस तरह से कुछ चल रहा है, किस तरह देखते हैं? अब मुझे एक बात बताओ, आप जब वोट हो चुका है और एक आदमी ध्यान के लिए अगर कन्याकुमारी जा रहे हैं, ये कैसे मुद्दा हो सकता है? अब ये लोग ये भी आरोप लगाएंगे कि जैसे ही वो ध्यान पर बैठेंगे तो ईवीएम का सारा वोट बदल जाएगा क्या? ये इस तरह की बातें कर सकते हैं, बातों का कोई सिर पैर नहीं है। मैं सोचता हूं कि इनको ज्यादा अवसर भी नहीं देना चाहिए मीडिया में।